आज हम लेकर आए हैं एकदम मार्केट वाली आइसक्रीम, जो मार्केट वाली आइसक्रीम से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, इजी है और टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन इसका टेस्ट तो पूछो ही मत, कितना टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे बनाए हुए तरीके से। तो सबसे पहले हम एक कटोरा में 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और हम इसे ठंडे दूध से इसे फेंट लेंगे। जो ठंडा रहना चाहिए, आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं। इन्हें हम एक साइड में रख देते हैं, तब तक हम दूध को उबाल लेंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 गिलास या 1 गिलास दूध लेंगे, आपको जितना बनाना हो आप इस हिसाब से लेंगे। जब दूध उबल जाए तो हम जितना भी मलाई है उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था उन्हें आराम आराम से डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, एक ही बार नहीं डालें। और फिर इसमें हम चीनी डाल देंगे, 1 कटोरी या 1 कप चीनी 1 गिलास दूध में। इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें लगातार चलाते रहना है। तो इन्हें हम एकदम हाई फ्लेम पे करके इन्हें पकाते रहेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। तो हम इसे 10 मिनट तक लगातार चलाते रहे हैं। जब इस तरह से ये पकने लगे तो इसे 5 मिनट तक और पका लें, बिल्कुल इस तरह से दम हो जाना चाहिए। तब फिर आप गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो गैस बिल्कुल बंद हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। तब तक हम इसे एक मिक्सी में डाल देंगे और इसमें हम 3 से 4 इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छी आएगी और खुशबू भी। अब हम इसमें 1/2 कटोरी आइसक्रीम डालेंगे। आप इसे विस्कर से भी फेंट सकते हैं, हम यहाँ पे मशीन में आपको बता रहे हैं, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं अगर आपके पास विस्कर ना हो या कॉफ़ी मेकर ना हो। बाहर की आइसक्रीम को बहुत ही फेंटा जाता है, उसके कारण आइसक्रीम बहुत हल्की हो जाती है। इसे हम 10 मिनट तक लगातार चलाते रहे हैं। अब हम इसमें काजू बादाम कट किया हुआ छोटा छोटा डाल देंगे। इन्हें मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इन्हें कोई छोटी छोटी कटोरिया में या आपके पास जो भी हो, आपको जिसमें सही लगे, जो आइसक्रीम का जो होता है उसमें भी आप निकाल सकते हैं। और इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में, या आप इसे रात भर के लिए भी रख सकते हैं और ऊपर से अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बस याद रहे, आप इसे कॉफ़ी मेकर से भी विस्कर से भी फेंट सकते हैं, क्योंकि बाहर की आइसक्रीम बहुत ही फेंटाती है, पर ये तो घर का ओरिजिनल आइसक्रीम है जिसे आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है।